हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जहां पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट या फिर ग्रेजुएशन आपकी चल रही है, लास्ट ईयर है, या आपने ट्वेल्थ के बाद एडमिशन ही लिया है, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 11,558 पोस्ट हैं, जिसमें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए 8,113 पोस्ट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट 3,445। सैलरी की यदि हम बात करते हैं तो अलग अलग पोस्ट हैं, तो इसमें 7 CPC के अकॉर्डिंग, पे लेवल 6, पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। आप मान सकते हैं 40,000 से लेकर 65,000 तक जो है सैलरी आपकी रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो नोटिस जारी किया गया है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट आप देखें, 14 सितंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे, 13 अक्टूबर तक चलने वाले हैं ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ठीक है, अलग अलग पोस्ट हैं और इसमें जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एज यहाँ पर 18 से लेकर 36 साल 18 to 36 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन जो है 3 साल का रहेगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग रहेगा। इसमें जो है टोटल वैकेंसी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 1,736, स्टेशन मास्टर की 994, गुड ट्रेन मैनेजर की 3,144 और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1,507, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732। कुल जो है ग्रेजुएट पास के लिए 8,113 पोस्ट हैं। अपर एज लिमिट में जो है रिलैक्सेशन 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 21 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग डेट है आवेदन करने की। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, आवेदन करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो इसमें जो वैकेंसी हैं ग्रेजुएट पास के लिए, तो ये 14 सितंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे। और अंडर ग्रेजुएट, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अंडर ग्रेजुएट हैं, ट्वेल्थ के बाद आपने एडमिशन ही लिया है या ट्वेल्थ ही किया है, तो 21 सितंबर 2024 से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सैलरी कम रहेगी, ग्रेजुएट पास के लिए अधिक रहेगी। तो यहाँ पर जो है सैलरी आप मान सकते हैं कि लगभग सैलरी जो है आपकी 40,000 तक रहने वाली है अंडर ग्रेजुएट में। ठीक है, और ग्रेजुएशन पास के लिए सैलरी जो है आपकी 60,000-65,000 तक रहेगी। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए इसमें 2,022 पोस्ट हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए इसमें 361 पोस्ट हैं और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट हैं, ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट हैं। ठीक है, और ट्रेन्स क्लर्क में जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर पाएंगे, इसमें 3,445 वैकेंसी हैं। तो अगर टोटल करें 8,000 और 3,000, तो ये 11,000 से भी अधिक जो है वैकेंसी आई हुई हैं। क्वालिफिकेशन जो है फॉर डिटेल, अभी ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है और डिटेल में जो एडवर्टीजमेंट है RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होंगे, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दोबारा से जो है वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। रिजर्वेशन रहेगा SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PW BD के लिए। ठीक है, तो डिटेल में जब आता है, जब आपको बताया जाएगा। CBT मोड आपका एग्ज़ाम रहेगा, एक ही जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फीस इसमें अलग अलग रहेगी फॉर ऑल कैंडिडेट। फीस यहाँ पर रहने वाली है 500 रुपीज़, जिसमें इनको छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2। तो SC ST एक्स सर्विसमैन PW BD फीमेल ट्रांसजेंडर और ABC के लिए जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 250 रहेगी, बाकी जो है सभी की 500। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट पास हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी का वेट भी कर रहे हैं, तो जैसे ही डिटेल में एडवर्टीजमेंट आता है आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू।